कितना क्लीन पानी है। बंदूक लेके आ जाए कहीं हमारे पीछे कोई। आप लोग तो काम कर रहे हो, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। इसका नाम क्या है छोटू? है? क्या विलेज का नाम क्या है? अरे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये है मेरे थेपले जो कि बर्फ जम चुकी थी, एकदम पत्थर हो रखे थे, इसको ऐसे गर्म करके खा रहा हूँ। आज 26 तारीख है, मैं जा रहा हूँ मनाली के रूरल में यहाँ के गांव एक्सप्लोर करने के लिए। ये नीचे कीचड़ में आइस जमी हुई है तो इससे पाँव बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। बर्फ़ में पैदल चलना भी मुश्किल होता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। आपके ग्लूट मसल स्ट्रांग होने चाहिए, काफ स्ट्रांग होनी चाहिए और एंकल को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ट्विस्ट ना हो जाए, क्योंकि पूरी बर्फ़ है ऊपर तक। परसों पड़ी थी बर्फ, वही है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है क्योंकि ये बर्फ दब चुकी है ना, टाइट हो चुकी है। आज भी वेदर क्लाउडी है और स्नोफॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इन पेड़ों को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, जब भी इनमें बर्फ़ जम जाती है ना तब बहुत सुंदर लगते हैं ये। बच गए, डरा दिया भाई। ठीक है, मुझे लगता है ये स्टोर रूम्स होंगे, कुछ तो दुकानें टाइप की है, मीटर भी लगा हुआ है, शॉप्स है शायद। काफ़ी सुंदर है ना, हाइट में छोटी छोटी। द जॉइंट कैफे, नदी का पानी देख के आते हैं कितना क्लीन है, बस फिसल नहीं जाए। ये देखो भाई कितना क्लीन पानी है। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? पूरा ग्लेशियर से आता हुआ पानी है, एकदम ट्रांसपेरेंट, डाउकी रिवर जैसा क्रिस्टल क्लीन पानी। ये रात को बहुत सुंदर लगता होगा, एलईडी बल्ब्स लगा रखे हैं, ये शायद कैफे वालों ने ही लगाए हैं। और ये सारे एप्पल के ट्रीज, वो कितना मस्त झूला भी लगा रखा है, बट कैफे बंद है। बैड लक, आगे रास्ता बंद है, पीछे से एक ऊपर की तरफ भी कट रहा है। ये जगह कुछ ऐसी सी है, आई होप ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, बंदूक लेके आ जाए कहीं हमारे पीछे कोई। वैसे यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, होगी तो भी प्यार से मना कर देंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। सिपे से आगे जाने का ट्राई करूँगा बट पता नहीं है ना, यहाँ पे तो कुत्ते के पाँव के निशान हैं, इंसानों के नहीं हैं। अब कितना गहरा है क्या है कुछ आइडिया नहीं है भाई,
लेट्स सी। थैंक यू। यहाँ पे एक अंकल आंटी मिले थे, उन्होंने चाय ऑफर करी है। रोटी देंगे? हाँ? नहीं नहीं अंकल, सब खा पी गए। तो ये जो अंकल आंटी हैं, ये यहाँ के गड्डी लोग हैं, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लोग भेड़ बकरियाँ पहाड़ों पे घुमाने ले जाते हैं, एकदम दूर दराज इलाकों में, खुद की भी और लोगों की भी। उससे इनको पैसा भी मिलता है और बेचने का भी काम करते हैं। ये अंकल मुझसे अभी खाने के बारे में पूछ रहे थे। आंटी ने भी काफ़ी पुश किया कि खाना खा लो, ठंड बहुत है। आप लोग तो काम कर रहे हो, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। काफ़ी शायद थे लोग वैसे, और यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं इनके पास पैसा बहुत होता है, ऐसा कुछ लोकल लोगों ने बताया। आई एम नॉट श्योर। नमस्ते। भाई मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ जाओ। ये दो शेपर्ड्स हैं, पूरे करीब 100 के लगभग भेड़ों को संभाल रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं उनको। देखा आपने कितने पहाड़ी लोग कितने हेल्पिंग होते हैं, इतने हम्बल जेनरस। वहाँ जा रहा था, मैंने रास्ता पूछा, उन्होंने बोला चाय पी के जाओ। ठीक है भाई, पहले तो मैंने मना किया, बट वो आंटी ने बोला कि नहीं पीनी पड़ेगी, चाय पी के ही जाओ, कल्चर है भाई हिमाचल का। कोई तो गाँव है, नाम नहीं पता मेरे को, तो काफ़ी सुंदर है, पुराने घर गाँव के। विलेज कैफे। इसका नाम क्या है छोटू? है क्या विलेज का नाम क्या है? अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। मेरे को इस जगह मिली कि इस कैफे में, यहाँ पे डॉम्स भी अवेलेबल है और रूम्स भी है। जगह लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बट मैंने एक कमिटमेंट किया हुआ है आगे की तरफ, तो मैं सोचा, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा सुंदर है, ऊपर टॉम्स भी स्पेशियस है और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है, तो देखना पड़ेगा यार। लेट्स सी, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? बिस्किट खाएगा अभी, कॉफी तो पी लें दे।
क्या खाना है तुम्हें? ब्रेड खानी है? अंडा कम है? अंडा कम है? कुछ खाना नहीं है, प्यार करवाने आए। शानदार कॉफी यार। ये इन कैफे वालों का ही घर है यार। ये भी जगह अच्छी है, रुकने के हिसाब से बुरी नहीं है, यहाँ भी आ सकते हैं। ये पतली पतली पगडंडियाँ एक यहाँ जा रही है, एक वापस गांव की तरफ जा रही है। मैं इसी में चला जाता हूँ, इसी में जो थोड़ी थोड़ी बारिश जमी हुई है परसों वाली। हेलो, एक रस्ता वहाँ जा रहा है, एक वहाँ जा रहे हैं। यही वाला होगा, इधर तो मैं गया था, शायद ये वाला है। धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं पूरा 10-11 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो भी है पहाड़ में घूम के आया हूँ, पूरा बॉडी अंदर से गीला हो रहा है, इनर वेयर्स गीले हो रहे हैं मेरे। अभी तक तो मुझे पसीना आ रहा है, हल्की गर्मी लग रही है, 5 मिनट बाद बॉडी हाइपोथर्मिक हो जाती है जब ठंडा होने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कभी भी करो तो अपने कपड़े उतार के फटाफट या तो गर्म पानी से नहा लो या दूसरे कपड़े पहन लो, नहीं तो बीमार हो सकते हो, आपके निमोनिया भी हो सकता है। अब मुझे ठंड लगनी चालू हो गई है, नहा लेता हूँ मैं।